व्याम श्री गुरु श्री युत पाद कमल श्री गुरु वैष्णवांश्च श्री रूपम सागर जातम सह गण रघुनाथन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सह गण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः पंचाकल्पतरुभ्यः कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स पदांतिकं नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवक्तये नमः नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरित्विषे नमः आजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनगपितरौ कमलायतक्षौ विशंभरौ दिजवरौ युगधर्मपालौ वंदे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये भक्त्या विहीना अपराध लक्ष्यै क्षिप्तस्य कामादितरंग मध्ये कृपामयि त्वं शरणं प्रपन्ना वृंदे नमस्ते चरणारविंदम जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौर भक्त वृंद बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले अपने गुरुपाद पद नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और उनकी अहित की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। उसके बाद समस्त गुरुवर की चरण कमलों का स्मरण करता हूँ और उनकी भी कृपा की प्रार्थना करता हूँ। उसके बाद हमारे मंच पे आसीन पूज्यपाद श्री भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ, महाराज जी की कृपा की प्रार्थना करता हूँ और जितने वैष्णव लोग माताएं लोग प्रभु लोग सभी के चरणों में यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं जो सुबह सुबह प्रातः वेला में भगवान की मंगल आरती का दर्शन करके और महाराज जी के मुख से श्री जैव धर्म का पाठ कर रहे हैं। तो जैसे कि श्रीमद् भागवत में सुना है शौनक आदि ऋषि सूत गोस्वामी के निकट गए और उन्होंने बहुत सुंदर जिज्ञासा की कि प्रभु उनको प्रणाम किया, उनकी वंदना की, उनकी आरती उतारी और उनको उतारने के बाद बोला प्रभु मनुष्य कलयुग में मनुष्य की आयु बहुत ही कम है और उसमें भी क्या है जीव मात्र की जो भाग्य है बड़ा मंद भाग्य है और उनकी जो गति है वो भी मंद गति है और उस पर इतने सारे उपद्रव हैं, इतने सारे कार्य हैं, हाँ किसी की विवाह करना, किसी का शादी करना, किसी का आदि पढ़ाई करना, कितने सारे कार्य हैं और शास्त्र अनंत कोटि शास्त्र है, इतने शास्त्र है, किसी में भूरिणी भूरी करवाने विवाह सा, किसी में पुण्य की महिमा बताई गई है, किसी में क्या बताया गया योग करो, किसी में बताया कर्म करो,
हैं, इतने सारे शास्त्र हैं और वेद है, वेद के चार भाग, ऋग वेद है, साम वेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है और फिर पुराण है कि 18 मुख्य प्राण है, फिर उपशाखा प्राण है, ऐसी 54 प्राण है, कितने सारे ग्रंथ हैं। तो हमारे लिए आप सारे शास्त्रों का जो सार है वो सार आप करके बताइए। तो ऐसे हमारे और कितने समय में, बहुत ही कम समय, इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज जी जो जैन धर्म का पाठ कर रहे हैं, भक्ति विनोद ठाकुर ने भी हमारे बहुत सारे ग्रंथ हैं, बहुत सारे छठ संदर्भ हैं, हाँ छठ संदर्भ भक्ति रसामृत सिंधु है और क्या है ये चैतन्य भागवत है, चैतन्य चरितामृत है, श्रीमद् भागवत है और उपदेश अमृत है, मन शिक्षा है, शिक्षा अष्टकम है, उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ है, माधुर्य कादंबनी है, बहुत सारे ग्रंथ हमारे गुरुदेव ने प्रकाशित किए हैं। पर गुरुदेव कहते थे जब तक जैव धर्म ग्रंथ है जो महाराज जी इसका पाठ कर रहे हैं, जब तक जैव धर्म नहीं पढ़ेंगे, जब तक हम वैष्णव धर्म में हमारी पक्की निष्ठा भी नहीं होगी और हम एक सद संप्रदाय में एकदम अपनी निष्ठा को जागृत करते हुए भजन में परिपक्व अवस्था में नहीं होंगे और वैष्णव भी नहीं बन सकते। इसलिए बार बार पूज्यपाद बामन गोस्वामी महाराज जी कहते थे जैव धर्म ग्रंथ जरूर हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। महाराज जी कृपा करके पढ़ा रहे, इसका जैव धर्म नाम क्यों रखा बताया है, इसमें जैव धर्म का मतलब है जीव का धर्म। जीव का क्या धर्म है, वैसे तो ये जीव मात्र का ही धर्म है, ये मनुष्य मात्र का नहीं, जीव मात्र जितने भी पशु पक्षी आदि सबका है, परंतु मनुष्य जो विश्व योनि में प्रधान मनुष्य है, इसलिए क्या है ये मुख्य मनुष्य के लिए है। परंतु यहाँ पर भक्ति विनोद ठाकुर ने बोला है पहले बहुत सारे जैसे महाराज वो चित्रकेतु महाराज वो और भरत भरत जो हुए ना भरत महाराज जी वो उनके भक्ति का ऐसा प्रभाव होता है, अगर भक्ति करते करते किसी जन्म भक्ति रुक भी जाती है और अगर जन्म किसी भी योनि में चला जाता है वो हिरण बन के आए फिर इनकी भक्ति की धारा बंद नहीं हुई। तो जीव मात्र हर जन्म में भजन कर सकता है परंतु बड़ा दुर्लभ है, जैसे कि जड़ भरत का हिरण का प्रसंग है और ये जो हाथी क्या नाम था इनका गजेंद्र मोक्ष जो कथा सुनिए गजेंद्र जी का, ये भी भजन कर सकते हैं। और भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा है पशु पक्षी है ताकि स्वर्गे वाने रहे तव भक्ति रहो भक्ति विनोद हृदय। तो जीव का धर्म है, इसमें क्या हुआ है सभी जीव मात्र का धर्म है और हर किसी अवस्था में कर सकते हो, परंतु बहुत ही दुर्लभ, मनुष्य के लिए सबसे सुयोग है, मनुष्य के लिए प्रधानता है, अगर खाली मनुष्य का धर्म कहेंगे तो दोष लग जाएगा, इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर ने इसका नाम रखा जीव जैव धर्म। और ये इसमें क्या है 40 अध्याय है, इतना सुंदर सुंदर भक्ति विनोद ठाकुर ने जैव धर्म की व्याख्या बताई है। पहले क्या दिया है धर्म की परिभाषा क्या है, नित्य धर्म क्या है, महाराज जी बता रहे नित्य धर्म और नैमित्तिक धर्म, जो हम लोग कर रहे हैं शरीर से संबंधित धर्म नैमित्तिक धर्म में और नित्य धर्म में क्या अंतर है, संसार है, कौन से अध्याय पे आ गए पहले चलो। अच्छा तो भक्ति विनोद ठाकुर ने बड़ा सुंदर रूप में बताया, फिर 10 जो मूल 9 प्रमेय और एक प्रमाण है जो 10 मूल सिद्धांत बोलते हैं, कहते हैं जब तक 10 मूल है जो पूरी चैतन्य महापुरुष की शिक्षाओं को इसमें गागर में सागर भर दिया है, और जो पहला जो श्लोक है उसमें सारे जो 10 मूल को पहले में आमनाय प्रहा तत्त्वम हरिभी सर्वशक्ति तदभिन अंसान जीवान प्रकृति कबलितान तद्विमुक्त विमांस, मतलब पूरे पहले 9 प्रकार के जो महापुरुष की सारी शिक्षाओं को एक श्लोक में, इसलिए गुरुजी ने 2006 में एक कथा कृति चैतन्य महापुरुष का वैशिष्ट और अवदान, उसमें बहुत सारे सन्यासियों से गुरुजी ने कथा कराई थी, जितने भी हमारे सन्यासी हैं विदेशी देसी, तो गुरुजी ने बोले महापुरुष ने जितनी भी शिक्षाएं दी है उनकी शिक्षाओं का सार बताओ, कि सारा ऐसे कोई सारा मतलब कम से कम श्लोक में उन महापुरुष की समस्त शिक्षाओं का सार बताओ। तो कभी कोई कुछ बता रहे हैं कोई कुछ बता रहे हैं, और जब गुरुजी का नाम बार आया तो गुरुजी ने बोला देखो महापुरुष की समस्त शिक्षाओं को यदि सार में लें, क्योंकि जो बड़े महासंत होते हैं जिन्होंने गुरु परंपरा की सेवा की है, इसलिए मैं बता रहा था कि जो भगवत विद्या का ज्ञान है ये गुरु सेवा से ना बड़ी सहज रूप में मिल जाता है, और गुरु सेवा अगर नहीं करेंगे कितना भी प्रयास कर लें कितना भी पढ़ाई कर लें कितना भी अध्ययन कर लें तो क्या है एवं परंपरा प्राप्तम एवं, ये ज्ञान क्या है
गुरु विद्या परंपरा से प्राप्त होता है, गुरु सेवा के द्वारा ही ये ज्ञान मिलता है। तो गुरु जी का जब बात आई तो गुरु जी ने कहा चैतन्य महाप्रभु की समस्त शिक्षा को यदि लें तो उन्होंने क्या किया है, दो प्रकार की शिक्षा है, एक मुख्य शिक्षा है एक गौण शिक्षा है। तो गौण और मुख्य शिक्षा में भी दो प्रकार की है, एक तात्विक दृष्टि से एक रस की दृष्टि से। तत्व की दृष्टि से भक्ति विनोद ठाकुर ने जितने भी चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं हैं उन सारे शिक्षाओं को एक श्लोक में रख दिया है। वो श्लोक क्या है, यही जैन धर्म में आएगा, बहुत सुंदर श्लोक है, आमनाए प्रहा तत्व हरिमि सर्वशक्ति तद अभिनंसान जीवान प्रकृति विमुक्तांश। ये जो श्लोक है इसमें क्या है, भगवान अखिल रसाम सिंधु कैसे हैं, जीव दो प्रकार के बद्ध और मुक्त, मुक्त भी फिर दो प्रकार के ऐश्वर्य प्रदान वाले मुक्त प्रदान, फिर भगवान की माया शक्ति क्या है, भगवान का नाम क्या है, सारा कुछ इसमें पूरे में। और ये क्या आमनाए प्रहा, गुरु परंपरा से जो आई विद्या है यही क्या है प्रमाण है। और इसमें क्या बताया, आमनाए प्रहा तत्व हरि में सर्वशक्ति, जो हरि है वही सारे अवतारों के मूल अवतार है और वो भगवान जो हरि है उन्हीं की ये सारे जीव आत्मा महिमावान से जीव लोक के जीव भूत आतन सनातना, ये जो जीव है दो प्रकार के, एक बद्ध जीव है और एक मुक्त जीव है। और उन बद्ध जीवों की जो चेतनता है वो भी गुरु पदाश्रय में आने के बाद कैसे कैसे डेवलप, चेतनता का विकास उन्होंने बताया, संकुचित महाराज जी बताएंगे अभी, संकुचित चेतना है, मुकुल चेतना, विकसित चेतना, अर्धविकसित चेतना, विकसित चेतना आदि आदि बताएंगे, कितना सुंदर बताया है। इसलिए यदि इस ग्रंथ को नहीं पढ़ेंगे जब तक हम वैष्णव धर्म में प्रतिष्ठित नहीं होते, और जब वास्तव में वैष्णव नहीं बनेंगे तब तक हम क्या है बहुत दीर्घ काल तक एक सिद्धांत पर स्थिर नहीं हो सकते। इसलिए गुरु जी ने कहा कि जो भक्ति विनोद ठाकुर के हम पूरे जीवन भर ऋणी है, जिन्होंने एक ग्रंथ, और इतना सुंदर ग्रंथ है, इतने सुंदर सहज सरल उदाहरण के द्वारा, बड़ा पहले शुरुआत में कठिन लगेगा, पहले शुरुआत में कठिन लगेगा, नित्य धर्म बताएंगे, नित्य धर्म क्या है, परिभाषा भी दी है और फिर प्रैक्टिकली भी बताया, फिर बीच में बड़े सुंदर सुंदर रोचक प्रश्न आएंगे, लहाड़ी मासे जी हैं, प्रद्युम्न दास बाबा जी महाराज, यादव जी और विजय कुमार और ब्रजनाथ प्रभु आएंगे, बड़े सुंदर सुंदर प्रसंग हुए, कैसे सुंदर वहाँ का वर्णन। ये जो ग्रंथ है इस भक्ति विनोद ठाकुर समाधि का ग्रंथ है, उन्होंने समाधि में जो भगवान की सहज समाधि में चैतन्य महाप्रभु गुरु परंपरा के शरणागत होकर जो उन्होंने अपने स्वाभाविक रूप में जो जो आई वस्तु है उनको उन्होंने यहाँ पर हमारे जीवों को कृपा करने के लिए उन्होंने लिखित रूप में इनको दिया है। और हमारे गुरुजी ने इस ग्रंथ में बड़ी परिश्रम किया है, ये बंगला ग्रंथ भी था पहले, बंगला भाषी गुरुजी ने 60 बार इसको पढ़ा, क्यों, क्योंकि बंगला भाषा में जो जो इसका जो भावार्थ है कहीं बदल ना जाए, क्योंकि एक भावार्थ ही बदल गया तो फिर सब गड़बड़ हो जाता है। इसलिए गुरुजी ने इसको बंगला भाषा पढ़ा फिर सीखा, इसलिए इसमें जो प्रस्तावना में परम गुरुजी को जब ग्रंथ दिया हमारे गुरुदेव ने, इतने खुश हो गए गुरुजी और बोले, उन्होंने बोला कि ये भक्ति विनोद नारायण गोस्वामी महाराज हैं, इन पे एक विशेष कृपा है हमारे भक्ति विनोद ठाकुर जी की, इन्होंने इतना ग्रंथ हिंदी भाषी होते हुए भी इन्होंने बंगला भाषा का अध्ययन किया और फिर इसको पढ़ा। गुरुजी बोले मैंने खुद 60 बार ये ग्रंथ पढ़ा, गुरुजी ने तो गुरुजी ने इस ग्रंथ को पढ़ा, यदि भी 60 बार समझने के लिए नहीं पढ़ा, वो तो समझ गए एक बार में, परंतु उन्होंने हमें ठीक से समझाने के लिए कहीं हिंदी में दोष ना हो जाए इतना परिश्रम करके इस ग्रंथ को लिखा। और इस ग्रंथ में ए नर्सरी से लेकर पीएचडी तक है, पहले नित्य धर्म एक शरीर का धर्म से शुरू करते हुए शरीर का धर्म क्या है और संसार और नित्य धर्म और संसार के कैसे हर वस्तु समझ में आएगी, संसार में कैसे व्यवहार करना है, भक्ति भी करना है तो ऐसे नहीं कि समाज घर के साथ माता पिताओं के साथ व्यवहार खराब करेंगे, संसार में व्यवहार कैसे रखना है, एक एक चीज़ को इसमें प्रैक्टिकली बताया है कि भक्तों के साथ कैसा व्यवहार करना है, संसार में व्यवहार कैसा करना है, और विवाह शादी भी यदि करनी है कैसे वर्ण आश्रम में कैसे करनी है, नित्य धर्म की कैसे रक्षा करनी है, बड़ा सुंदर रूप में इस ग्रंथ को बताया है। और बाद में जब 10 मूल में क्या बताया, मैं बता रहा था पहले भगवान हरि ही प्रमाण के रूप में, हरि कृष्ण भगवान जो कृष्ण हरि हैं वो ही सारे अवतारों के मूल अवतार ही है,
पूरा प्रमाण दे देकर, श्लोक दे देकर उन्होंने बताया, और बाद में जीवों की गति एक के बाद एक स्टेज बताई है, नाम अपराध बताया, नाम आभास में क्या अंतर है, शुद्ध नाम, नाम की तीन प्रकार की स्टेज बताई है, सारा बताया, माया की माया क्या है, माया प्रकृति क्या है, योग माया क्या है, महामाया क्या है, सारा कुछ इसमें डिटेल में बताया है। तो हम लोग इसको सुन रहे हैं, हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं, पर इसको ध्यान करके सुनो और बार बार पढ़ो, महाराज जी से प्रसन्न करो, नए नोट बनाना पड़ेगा, क्योंकि जब हम लोग जाते थे 2000 में एक में परमेश्वर इसको पढ़ाते थे और वो इसको बना के एक अध्याय को पढ़ाया, एक अध्याय को पढ़ाने के बाद उसको नोट बनाते थे, एक अध्याय के प्रश्न करते थे, 20 और 25 प्रश्न लगते थे और फिर उसका एग्ज़ाम लेते थे, उसको एग्ज़ाम करते थे कि ये बताओ क्या है, पूछते थे जैसे नित्य धर्म क्या है, हैं नैमित्तिक धर्म क्या है, उदाहरण देके, फिर इसमें आएगा सन्यासी की, चार प्रकार के सन्यासी है, कुटी चक्र है, परमहंस है, कुटी चक्र क्या होते हैं, परमहंस क्या होते हैं, एक पहले वो नोट बनाते थे, फिर नोट बना के वो पेपर दे देते थे और फिर उसको पूछते थे, ऐसे कर करके एक एक अध्याय को उन्होंने पढ़ा और उन लोगों को जो रूप सनातन में पहले वाला बैच था उनको पढ़ाया अभी। इसलिए हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं, अगर एक ग्रंथ ठीक से पढ़ लिया, एक ग्रंथ, और इस ग्रंथ में सारे में गागर में सागर है, ऐसा कोई भी पहलू नहीं छोड़ा भक्ति विनोद ठाकुर ने, या तत्वगत विचार लिया, रसगत विचार लिया, और 25 अध्याय के बाद जो 40 अध्याय तक है उसमें सारा कुछ उन्होंने बताया, सब कुछ बताया। इसलिए हम लोग इसको सुनेंगे, महाराज जी पाठ कर रहे हैं, मैं समय ज़्यादा ले लिया क्योंकि बीच में से बोला है, अभी ठीक से नहीं, महाराज जी क्रम से पढ़ रहे हैं, इसको हम लोग सुनेंगे और पढ़ना भी, पढ़ना सुनना बार 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 अभ्यास करने से कठिन वस्तु भी समझ में आती है। बोलो भक्ति विनोद ठाकुर की जय, धर्म जय, धर्म की अनंत कोटि वैष्णव भक्ति की। थोड़ा सा हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे नारे हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे नारे हरे राम राम हरे कृष्ण हरे नारे हरे राम हरे कृष्ण। ओम ज्ञान तिमिराम धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय यैस्तदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पादष्टोत्तर सत श्री श्री श्रीमद्भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पादष्टोत्तर सत श्री श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथाजुग प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। कतगले हम लोग श्रवण कर रहे थे जब श्री बाबा जी महाराज बैठ करके तुलसी माला में हरिनाम कर रहे थे और हरिनाम करते 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 उन्होंने भगवान की जो कुंज भंग लीला में प्रवेश किया है। हम सुन रहे थे कुंज भंग मतलब कहते अष्टजाम है, अष्टजाम जैसे 24 घंटा को 8 भाग में विभक्त की गई और एक एक जो जो 8 भाग में एक एक भाग को एक जाम कहते हैं उसमें कैसे हरिनाम करते 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 कैसे उन्होंने भगवान की दिव्य लीला में कैसे प्रवेश कर गए और प्रवेश करते हुए कैसे उनको कुंज भंग लीला की स्फूर्ति हुई। कुंज भंग मतलब जब श्री राधा कृष्ण जैसे संकेत में विश्राम कर रहे थे, विश्राम करते करते
अभी धीरे 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 जब ब्रह्म मुहूर्त समय हुआ, अभी राधा रानी को जावट जाना और कृष्ण को नंदगाम चले जाना है। लेकिन अभी राधा कृष्ण निकुंज में विश्राम कर रहे हैं। जब विश्राम कर रहे हैं इतने में जो वृंदा देवी हैं, वृंदा देवी एक है भगवान की दो, उनको लीला पुष्टि करने वाले दो व्यक्ति है, कहते हैं एक वृंदा देवी और एक जोग माया। कहते ये जोग माया क्या करती है और ये वृंदा देवी क्या करती है, अच्छे तरह इस चीज़ को समझो। कहते जोग माया है कृष्ण की जितने सारे लीलाओं को मदद करने वाले, पुष्टि करने वाले ये जोग माया हैं। ये जो जोग माया, अगर ये जोग माया नहीं होगा ना, फिर ये कृष्ण लीला संभव ही नहीं, असंभव है। जैसे कृष्ण भगवान है, लेकिन ये जोग माया क्या करती है, उनको पूरा जो कृष्ण की भगवता को ये भुला देती है। भुला करके कृष्ण जैसे मक्खन खाए, मैया ने पूछा लाला तेई ने मक्खन खाई, कृष्ण क्या कहते, बोले मैया मोरी मैं नहीं मक्खन खाई। बोले ये सब के सब बोल रहे हैं सखा लोग सब, बोले जो झूठ बोल रहे हैं मैया हैं, खुद खाते हमारे नाम दे देते हैं। इसलिए जैसे मैया कभी कभी कृष्ण की कान मोल देती हैं, है चोरे चोटे गाली देती है, इसलिए कहते कृष्ण की जो भगवता, कृष्ण को अगर ये याद रहे मैं विश्व ब्रह्मांड का मालिक हूँ, फिर तो ये कृष्ण लीला नहीं हो सकता। मैया कान पकड़ सकती हैं, मैया उनको खुले में बांध सकती हैं, डांट लगा सकती हैं, सखाओं को झूठन खा सकते हैं, नहीं खा सकते। इसलिए कहते ये जो जोग माया क्या करती हैं, उनकी सारे भगवता को भुला करके उनको जो मधुर जो लीलाओं को, सारे मधुर लीलाओं को ये पुष्टि करती है। कहती ये जोग माया की ये काम है। कहते एक हैं इनकी वृंदा देवी, कहती ये वृंदा देवी क्या कहती करती हैं, कहते कृष्ण की जो श्रृंगार, जो मधुर लीला, मधुर लीला मतलब राधा कृष्ण ब्रज गोपियों के साथ में भगवान जो लीला करते हैं, कहते वो लीला को मदद करने वाले कौन, बोले वृंदा देवी। जो राधा कृष्ण के लिए सुंदर कुंज बनाना, राधा कृष्ण को ला कर कुंज में मिलाना है, राधा रानी को ले जाना, ये सब जो मधुर लीला को वृंदा देवी करती हैं। इसलिए अभी ये कुंज भंग लीला में क्या हुआ, जैसे राधा कृष्ण शयन कर रहे हैं, अभी राधा रानी को जल्दी जल्दी लोग उठने से पहले कहाँ जाना, जावट चले जाना और जाकर चुपचाप राधा रानी सो जाएगी। उनका जो सांस और उनकी जो ननद बड़ी तेज है, इसलिए एक का नाम जटिला और एक का नाम बोलो जटिला और कुटिला। जटिला मतलब क्या, जट बगाना, कुटिला मतलब कुट 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 करना बिना कारण से। क्या हो गया, कहाँ गई थी, क्या कर रही थी, क्या हो रहा था, इतना देर क्यों हुई हैं। कहते ये सांस और ननद है ना बड़ा तेज है चटला कुटला, इसलिए कहते वो उनको जगने से पहले राधा रानी जा करके चुपचाप सो जाती है। और जब सब उठते हैं ना, उनको लगता है राधा रानी घर में यहीं पर थी, लेकिन राधा रानी कृष्ण को साथ में लीला कर रही थी। नंदगांव में मैया सोच रही लाला तो मेरे गोद में ही सो रहा है, मेरे पास में सो रहा है। इसलिए मैया उठने से पहले कृष्ण जा कर के चुपचाप सो जाते हैं। मैया जब उठती हैं क्या देखती हैं, कृष्ण यहीं पर विश्राम कर रहे हैं। इसलिए ये वृंदा देवी उनको उनको क्या करती हैं, धीरे 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 वृंदा देवी पहले आदेश देती है किसको, मुर्गा को। देखो मुर्गा, आप लोग तो इधर मुर्गा है ही नहीं, आपको पता है गांव में आपने सबसे पहले जब सवेरे होता है सबने सबसे पहले कौन आवाज़ दिखता है, मुर्गा को 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 हाँ, ये मुर्गा पहले आवाज़ देती है। फिर सब लोगों को पता चल जाता है क्या है, अभी सवेरे हो गया है, सवेरे हो गया उठो, सवेरे हो गया उठो, सवेरे सवेरे उठो हैं। इसलिए प्रकृति पहले जग जाती है, और जो है ना चिड़िया की चें चें आवाज़ अपने आप होने जाती सवेरे सवेरे, वो उठ जाते सब के सब। इसलिए अभी जो बाबा जी महाराज पूरा लीलाओं का अंदर में प्रवेश कर गए, कैसे राधा कृष्ण के निकुंज में कैसे उनका लीला भंग उनका स्मरण हो उठी, और कैसे क्या करते करते, बल ये माला करते करते शिक्षा देते हैं। कहते एक आर्टिफिशियल होता है और एक नेचुरल होता है। कुछ ऐसे सहजिया लोग हैं वो क्या करते हैं, वो आर्टिफिशियल रूप में अभी राधा कृष्ण विश्राम कर रहे हैं, सखियाँ आ करके कैसे उनको कुंज भंग लीला कर रहे हैं, कैसे मंगला आरती गा रहे हैं, कहते उनको एक आर्टिफिशियल चिंता करते। लेकिन हरिनाम करते करते हृदय से
जब ये अनर्थ जितने हमारी है, जब ये सारे अनर्थ हृदय से नष्ट हो जाएगा, हैं सारे अनर्थ सब चली जाएगी, काम क्रोध लोभ मोह और तत्व भ्रम, हमारे जो भ्रम इस सब के सब, जब अनर्थ चार तरह का अनर्थ है, जब ये सब असत तृष्णा हृदय द्रव्य अपराध ये सब जब हृदय से खत्म हो जाएगी, फिर शुद्ध हृदय में भगवान की लीला अपने आप हृदय में वो प्रकट होता है, कृपा भगवान की नई 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 लीला प्रकट होता है। इसलिए बाबा जी महाराज कहते हैं, कहते कुंज भंग लीला की स्फूर्ति होने पर नेत्र से उनकी प्रेमाश्रु विसर्जन हो रहा था, प्रवाहित तो हो रहा था, अब अपना सिद्ध भाव में हैं हर जीव का हृदय में एक एक सिद्ध भाव विद्यमान है, लेकिन ये भजन करते 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 हृदय में वो सिद्ध भाव हृदय में अपने आप प्रकट होगा। और गुरुदेव हैं, गुरुदेव प्रदान करते सिद्ध भाव, उस शिष्य का भी ऐसी अवस्था होनी चाहिए और गुरु जी का भी अवस्था होनी चाहिए, फिर गुरुपाद पद उनको अपना सिद्ध स्वभाव को प्रदान करते हैं, तुम ये सखी, तुम्हारी ये मंजरी, तुम्हारी ये सेवा, तुम इसी सेवा में तत्पर रहना, लेकिन कौन सा अवस्था में, बद्धावस्था में नहीं, अनर्थग्रस्त अवस्था में नहीं, जब हृदय से संपूर्ण अनर्थ दूर हो जाएगी तब गुरुदेव ये भावना को गुरुदेव प्रदान कर। देखो ये स्थिति कैसे होता है, यहाँ पर सब वर्णन किया है। इसलिए उन्होंने संपूर्ण रूप में जो स्थूल शरीर की हाँ हुदहुद को बाबा जी महाराज खो बैठे और पास में सन्यासी ठाकुर बैठे हुए थे, अब बैठ करके गुरुदेव का हृदय में वो जो दिव्य भाव उदय हो रहा था, वो भाव में जो विभोर हो रहे थे, वो सारे चीज को सन्यासी ठाकुर दर्शन कर रहे, कैसे गुरुदेव किस भाव में गुरुदेव डूबे हुए हैं, इसलिए उनको सात्विक भाव को वो दर्शन कर रहे थे। दर्शन करते करते इतने में कद श्री परमहंस बाबा जी महाराज ने कहा, क्या कहा, बोले सखी ये जो कटखटी हैं, एक राधा रानी की एक बंदरी थी, राधा रानी की एक बंदरी थी जिसका नाम है क्या है, इसका नाम कटखटी हैं। ये कटखटी क्या करती हैं, ये सवेरे सवेरे राधा कृष्ण शयन कर रहे हैं, कभी कभी ये आवाज़ करती हैं, आवाज़ क्यों करती हैं, क्योंकि राधा रानी को जल्दी जल्दी चले जाना है हैं, और कृष्ण को भी जल्दी जल्दी जाना है, अगर सोते रहेंगे जटला कुटला जग जाएंगे फिर क्या होएगा, इसलिए ये क्या करती हैं, करती ये कभी कभी सवेरे सवेरे आवाज़ करने लग जाती हैं, जिन आवाज़ को सुन करके राधा कृष्ण का जो सुख निद्रा धीरे 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 सुख निद्रा भंग होता है। इसलिए कहती कहती इसको कटखट के चुप कराओ, बोले नहीं तो मेरे राधा गोविंद की सुख निद्रा उचट जाने से सखी ललिता को दुख होगी, हैं समझ रहे हो, जो ललिता सखी सखियों का काम किया है, राधा कृष्ण को जुगल मिलन करना, यही सखियों का काम है, कहते ना जय जय राधा कृष्ण जुगल मिलन आरती कराए लली तादी सखीगण, इनका काम है राधा कृष्ण को कैसे हम सुख प्रदान करें, उनको कुंज में उनको विश्राम करें, उनको कैसे आनंद प्रदान हो, कहते अगर राधा कृष्ण की सुख निद्रा अगर भंग हो जाएगा ललिता क्या उसको घुसा होगी, क्योंकि आठ सखियों में मुख्य कौन सा सखी है, ललिता, ललिता विशाखा चंपा मुख्य सखी, ये इनके आज्ञा में ही ये सब सखियाँ उनके आनुगत्य में सबके सब सेवा करती हैं, कहते ये ललिता सखी को दुख मिलेगा और मेरी भर्त्सना करेगी, हैं मेरी भर्त्सना करेगी, तुम देख नहीं रहे हो कैसी ये बंदरी कैसे आवाज़ कर रही है, राधा कृष्ण शयन कर रहे हैं उनका निद्रा, जैसे कोई व्यक्ति सोते हुए हो अगर कोई जोर से चिल्लाए क्या होगा, निद्रा टूट जाती है ना, भले क्यों इतना जोर से चिल्ला रहे हो, इसलिए कह रहे ललिता सखी नाराज हो जाएगी, अरे देखो अनंग मंजरी इसके लिए इंगित कर रही हैं, एक सखी का नाम किया, बोले ये अनंग मंजरी, कहती अनंग मंजरी क्या करती हैं, कहती ये जो ललिता सखी है, कहती इन लोगों का आनुगत्य में अनंग मंजरी रूप मंजरी रति मंजरी ये सब के सब इनके आनुगत्य में राधा कृष्ण की सेवा करती, बोले देखो अनंग मंजरी इशारा कर रही हैं, क्या कर रही हैं, ये बंदरी को बंद कराओ राधा कृष्ण की निद्रा टूट नहीं जाए, तुम रमणी मंजरी हो, देखो तुम्हारी यह निर्दिष्ट सेवा, देखो इस चीज़ को समझो, हाँ कहती ये उनका क्या इंगित कर रहे हैं, कौन बाबा जी महाराज किसको कह रहे हैं, बोले सन्यासी ठाकुर को कह रहे हैं, गुरुदेव
उपयुक्त समय होने पर शिष्य का जो सिद्ध स्वरूप को प्रकाश करके बोल देते हैं, देखो तुम्हारी ये सिद्ध स्वरूप है, ये सिद्ध स्वरूप जो सेवा है उसमें तुम तत्पर हो जाओ। कहते कि जो सन्यास ठाकुर का उनका सिद्ध स्वरूप उनको गुरुदेव बोल दिए, बोले तुम कौन हो, रमणी मंजरी हो तुम। इसलिए हमारे भक्ति वेदांत से नारायण गोस्वामी महाराज, आपको पता है ये कौन थे, राधा कृष्ण की नित्य लीला में कौन है, ये भी रमण मंजरी है। रमणी मंजरी एक नहीं, रमणी मंजर अनेक है, बहुत है। इसलिए उसी में भी हमारे गुरु जी का जो सिद्ध स्वरूप था रमण मंजरी, इनका नाम भी रमण मंजरी है। तो देखो ये तुम रमण मंजरी, तुम्हारी ये निर्दिष्ट सेवा, तो उन्होंने सेवा प्रदान कर दी। क्या निर्दिष्ट सेवा, जब राधा कृष्ण शयन करते हैं उनका निद्रा में जैसे कोई भंग नहीं हो, इसलिए तुम एक कटखटी अगर कोई जोर जोर से बोल दो उनको चुप कराने का, ये तुम्हारी सेवा। तुम उसी में जत्नवती हो, हैं, उसमें तुम जत्नशील हो। यह कहते कहते परमहंस बाबा जी अचेतन हो गए। देखो इसको कहते भजन, इसको क्या कहते हैं, मतलब भगवान की हरिनाम करते करते हमारी चित्त इतने आविष्ट होनी चाहिए, चित्त इतने आविष्ट होनी चाहिए संपूर्ण लीला में प्रवेश कर जाए। अब प्रवेश करते 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 उन्होंने क्या हुआ, उन्होंने अचेतन हो गए, बेहोश हो गए। इसलिए हमारे महाप्रभु कहते हैं ना, कब ऐसे दिन आएगा, बोले कौन सा दिन है, बोले नयनम गलदस्रु धारया बदनम गदगद हृदया गिरा फुल कर निचितम कदा तब नाम ग्रहणे भविष्य। हे ठाकुर, कब ऐसे दिन आए जो कि तुम्हारी नाम करते करते क्या होगा, आंखों से आंसुओं की झरी बहने लग जाए। इसलिए भागवत कहते तदस्म सारम हृदयम बदतम, अगर हरि नाम को लेकर के हृदय द्रवीभूत नहीं होता है, आंखों से आंसू बहती नहीं, क्या समझो हमारी अपराध अच्छय प्रचुर है। अतएव अपराध अच्छय प्रचुर, जाहित कृष्ण नाम बिजर नाहय अंकुर। अपराध होने का नाते प्रभु का नाम लेकर के हृदय द्रवीभूत नहीं होता, आंखों से आंसू नहीं आती। इसलिए हमको इसलिए कहते जो कंठ है अवरुद्ध हो जाए, हृदय द्रवीभूत हो जाए। अगर हरि नाम करते करते ये अवस्था आए ना, फिर क्या समझनी चाहिए, बस कुछ हो रहा है, हैं, कुछ हमारी हो रही है। इसलिए ये स्थिति को लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक जगह में बैठी करके हृदय से पुकार पुकार करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, जोर से बोलो, बोला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसलिए श्री बामन गोस्वामी महाराज के पास में कोई आए तो बोले गुरुदेव भजन कैसे होगा, उन्होंने क्या बोले, बोले रोना सीखो। क्या सीखो, रोना सीखो, भगवान का नाम लेकर रो, हैं। इसलिए नियम है, एक जगह में बैठी करके हमारे जो भक्ति वेदा नारायण गोस्वामी महाराज थे, बैठ करके एकदम 9 बजे से पहले 100,000 नाम पूरी करना, उनको 100,000 नाम को उनको पूरी करना, उसको बाद में जा करके भोजन करेंगे। तभी जगत में उनका नाम क्यों, जगत में इनका नाम जगत में क्यों फैला है, जो भक्ति वेदांत स्वामी महाराज थे ना, हैं, इन्होंने भी जो राधा दामोदर मंदिर देख रहे हो वहाँ पर उनको देखना, उनके कैसिडी में उनका नाम चलता है, हृदय से पुकार पुकार करके हरि नाम करते थे। हमारे भक्ति विनोद ठाकुर, उन्होंने भी 3-3 लाख हरिनाम दिन दिन किया। प्रभुपाद भी कितना हरिनाम करते थे, कितना नाम किया, 100 करोड़ नाम जग गए, दिन में भी 3-3 लाख हरिनाम करते थे। अरे हम तो 16 माला करने के लिए अगर 2 माला कर लिया ना, बात जैसे खुजली मच गया, उठो उठो, कब तक बैठोगे, उठो, हो गया, उठो, तब भजन कैसे होगा। इसलिए नियम है, एक जगह पर बैठ करके आँख बंद करके हृदय से भगवान का नाम को पुकार, तभी कुछ अनुभूति होता है। नहीं तो जिंदगी भर जैसे हरिनाम करते नहीं तो अनुभूति क्यों नहीं होता है। बोले जरू पे ना लय ले नाम प्रेम उपजय ताहर स्वरूप लक्षण सुनर राम राय, हरिनाम कैसे करनी चाहिए, हैं, इसलिए बैठ करके हृदय से पुकार पुकार करके हरिनाम को करनी चाहिए, तभी अनुभूति, नहीं तो अनुभूति नहीं होती है। हम लोग हरिनाम माला करते हैं, क्या कर रहे हो, इधर आओ, फिर हरिनाम करते करते इधर उधर का फिर बात करना शुरू कर देते हैं, फिर इधर उधर बात कर, इसलिए
हमारे अपराध हो जाता है, वो अपराध की वजह से हृदय कठोर हो जाता है और कठोर होने पर हृदय में द्रवीभूत नहीं आता, आँखों से आंसू नहीं बहती। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं अचेतन सन्यासी महाराज अपने सिद्ध देह और सिद्ध परिचय जानकर उसी समय से उसी सभा में नियुक्त हो गए। जब उन्होंने बोल दिया अपना शिष्य को, किसको, श्री सन्यासी महाराज को, क्या तुम्हारी ये नित्य सेवा है कि कटखटी को बंद करना। उनको पता चला गुरुदेव हमें अपना नित्य सिद्ध परिचय बता दिया, दिया मेरा नाम नित्य सिद्ध नाम श्री रमण मंजरी है। इसलिए सिद्ध देह और सिद्ध परिचय जानकर उस समय में उन्होंने सेवा में नियुक्त हो गए। क्रमशः प्रातकाल हुआ, पूर्व दिशा में उषा अपना सौंदर्य बिखरने लगी, पूर्व दिशा में सूर्य उदय होने लग गए। सूर्य उदय होते ही चारों तरफ जैसे धीरे धीरे उजाला होने लग गया और पक्षी चतुर्दी, जैसे अभी हम लोग जैसे मठ मंदिर में हम लोग भजन करते हैं, हैं, लेकिन पहले पहले जो साधु लोग थे कैसे भजन करते थे, उनका कुटिया होता था, जंगल होता था, चारों तरफ में पेड़ पौधा लता पताओं से एकदम भरा हुआ होता था, जिसमें स्वाभाविक रूप में सात्विक भाव आती थी, अपनी आप एक उतना परिवेश अपनी आप हैं सात्विक भाव आता था। इसलिए जिस समय सूर्य उदय होने आए, जितने पशु पक्षी धीरे 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 देखना कलरव करने लगे, आवाज़ करने लग जाते, चेचा करने लग जाते हैं। इसलिए सुंदर सुंदर मीठी मीठी हवा बह रही थी और कहते बाल सूर्य की रक्तिम आभा से उद्भासित प्रद्युम्न कुंज की माधव मंडप की उस समय जो अपूर्व स्वभाव उसको वर्णन नहीं किया जा सकता। यहाँ पर कह रहे हैं जिस समय ये स्थिति आई, कैसे सूर्य उदय हो रहे उनके रक्ति में अभाव से सुंदर चारों तरफ में कुंज एकदम धीरे 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 रक्त में अभाव को धारण किया हुआ और सुंदर सुंदर पक्षी पशु पक्षी कलरव कर रहे हैं और सुंदर मनोरम स्थान, कहते इतने सुंदर अपूर्व जो स्थान जिसको हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। इसलिए परमहंस बाबा जी कदली के बलकला सर पर बैठे हैं, धीरे धीरे उनका बाज्य स्फूर्ति हो रही है, साथ ही माला जप कर रहे हैं। जी देखो यहाँ सब भजन का परिपाटी बता रहे हैं, हमें भी भजन कैसे करनी चाहिए, भजन का परिपाटी। वो जो जिस समय उनको लीला दर्शन हुई वो समय कौन सा समय था, सवेरे सवेरे हरिनाम कर रहे थे हैं। वो कब से हरि जैसे भक्ति विनोद ठाकुर क्या करते थे, वो सो जाते थे आठ बजे, आठ बजे सो करके ना बारह बजे उठ जाते थे भक्ति विनोद ठाकुर रात का बारह बजे, और रात भर हरिनाम करते थे। और जब कोई बात स्फूर्ति आती थी वहाँ पर पेन और कागज रहता था हैं। अब हम गए ना कहाँ पर उसका स्वानंद सुखद कुंज, हम जाते ना परिक्रमा में गंगा पार करके तभी भक्त मोहन ठाकुर पर जा भजन कुटीर वहीं पर रहते थे और सारे ग्रंथों को लिखते थे, रात भर हरिनाम करते थे। इसलिए नियम है क्या है, एकदम जितना दूर हो सके सवेरे सवेरे उठ करके गुरुदेव कहते थे अब सवेरे एक घंटा हरिनाम करो बैठ करके। एक घंटा हरिनाम में जो आपको अनुभूति व आनंद की प्राप्ति होगी, सारा दिन तुम माला जप न करे पर वो आनंद नहीं आएगा, क्योंकि जो सवेरे का जो समय वो सात्विक भाव है। सूर्य उदय होने का साथ साथ क्या होता है, अपने आप रज भाव अपना प्रकट हो जाता है, अपने आप राजसिक भावना शुरू हो जाती है। लेकिन सवेरे उठ करके देखो हरिनाम करो मंत्र जप करो, पहले साधु तो ही करते थे ना सवेरे सवेरे उठ करके हैं, हमारे जो मंगलार्थ पर किस कब सवेरे सवेरे, अब थोड़ी दिन होते ही ना दूध बहलाना है, घर साफ करना, काम ये करना वो करना, देखना मन इधर उधर फिर विभाजित तो होने लग जाते। लेकिन सवेरे सवेरे एकदम मन भजन में लग जाती, इसलिए क्या करनी चाहिए, जितना दूर हो सके सवेरे सवेरे उठ करके हरिनाम हैं भजन साधन जो जितना करेगा उसको ही उतना ही जल्दी भक्ति में उसकी अग्रसर हो गया। ठीक है, निताई गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि दावा न मृदंग दावा नाला संसार दहनी दग्ध जीव कुला उधर कारणी करुणा बारी द कृपा बारी दानी बंदी से गुरु चरण कमल नृत गीत वाद्य श्रीहरि कीर्तने राहे नमगना महामत मने रोमांच कंपासु हाय गौर प्रेमे बंदी से गुरु चरण कमल सदार माइक ले लो इधर जाओ।
सदरस जीने विग्रह सेवने रिंगार दिया मंदिर मार्जने करे नुक्त अनुगा सजने बंदिसे गुरु चरण कमल सर्वतुषलेय पेय रस मये प्रसाद कृष्णे अति स्वदुहये भक्त स्वादने निज तृप्त रहे बंदिसे गुरु चरण कमल श्री राधा माधव नाम रूप गुने अनंत माधुर्य लीला स्वादने लुप्त चितहिनी हर प्रतिक्षणे बंदिसे गुरु चरण कमल ब्रज युग द्वंद रति संवर्धने युक्ति कर सकी सने वृंदावने अति दशदाये प्रियतम गने बंदिसे गुरु चरण कमल सर्वशास्त्रे गाये श्री हरि स्वरूप भक्तगण भावे प्रभु प्रियतम रूप बंदिसे गुरु चरण कमल जहर प्रसाद कृष्ण कृपा पाए जर प्रसाद अन्य गति नहीं त्रिसंध्या कीर्तिर सब धने भाए बंदिसे गुरु चरण कमल गुरुदेवाष्टक अति जत्न करे ब्रह्म मूर्ति परे उच्च करे वृंदावन नाथ साक्षात श्री हरि सेवा पाए से वस्तु सिद्धि काल बंदिसे गुरु चरण I'm not going to be able to do it.
सर्ववांछते हरे जम बंध टूट गए जगत दुर्लभैया प्रेम धन लोटे मन रवत ना होना अजी रात देवकि नंदन कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रिय अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रिय अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद Thank you.